देश में जहां एक तरफ एलपीजी सिलेंडर के दाम 25 रुपए बढ़े हैं, तो दूसरी तरफ खबर है कि पहले क्वार्टर की जीडीपी में 20% तक बढ़त आ गई है। बीजेपी के नेता इसे एक इवेंट की तरह पेश कर रहे हैं। इंडिया की जीडीपी ने बाउंस बैक हुआ है। लगभग हर बीजेपी नेता से इस खबर को अपने ट्विटर पर शेयर किया है। असल में ये जीडीपी के आंकड़े पहले क्वार्टर के हैं, ना कि पूरे साल के। खैर, आज की वीडियो में देखते हैं कि एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ने के बाद किस मीडिया ने इस मुद्दे पर बात की। 1 सितंबर को एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़े, आज तक पर डिबेट अफगानिस्तान के मुद्दे पर हुई। देखते हैं वो क्या जानकारी दे रहे हैं। तालिबान कहिए, आईएसआईएस कहिए, अलकायदा कहिए, जैश कहिए, लश्कर कहिए, सबके नाम अलग अलग हैं, लेकिन सबका मिशन एक है, आतंक के हथियार की मदद से इस्लामिक स्टेट की स्थापना। तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता हथियार ली तो आतंकवादी संगठनों को एक नई उम्मीद दिखाई दे रही है। अलकायदा ने तालिबान को बधाई संदेश दिया, अपना पूरा एजेंडा भी बता दिया। अलकायदा ने फिलिस्तीन से लेकर कश्मीर तक पर नजर गड़ा रखी है। मिल गई आपस में आतंकियों की फौज। तालिबान की जीत पर कूदा अलकायदा, दुनिया भर में ठोक दिया जिहाद का जहर। फिलिस्तीन से लेकर कश्मीर की आजादी का भरा दम, आतंकियों की फौज निकली लेकर इस्लामी जमीनों को कब्जाने की मुराद। न्यूज 18 पर भी मेजर डिबेट अफगानिस्तान के मुद्दे पर हुई। देखते हैं वे किससे सवाल कर रहे हैं। पिछले 2 हफ्तों से भारत की सरकार का फोकस, कहें तो पूरा का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ इस बात पर है कि अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को सकुशल वतन वापस कैसे लाया जाए। देश में सियासत चलते रही, कई नेताओं ने मोदी सरकार पर जमकर सवाल भी उठाया, लेकिन सरकार चुपचाप अपने मिशन में जुटी रही। अभी भी सरकार का सबसे बड़ा एजेंडा यही है कि कैसे अफगानिस्तान से भारतीयों की वतन वापसी सुरक्षित कराई जा सके। लेकिन इसी बीच विपक्ष के कुछ नेताओं ने एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। मंगलवार को कतर में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने तालिबान के एक बड़े नेता से दोहा में मुलाकात करी, या फिर ये कहे कि वो मुलाकात करने के लिए भारत के पास पहुंच गए। इस बैठक के लिए रिक्वेस्ट की गई थी और बैठक का मुद्दा भी सिर्फ भारतीयों की सुरक्षा और उनकी जल्दी भारत वापसी से जुड़ा था। जी न्यूज की शाम की डिबेट भी अफगानिस्तान के मुद्दे पर ही हुई। वह इस मुद्दे पर किससे सवाल कर रहे हैं, आइए देखते हैं। मतलब शत्रु पर आक्रमण करने से पहले उसको एक मौका दिया गया, प्रभु राम ने भी यही किया था, लेकिन अब इस नीति पर ही सवाल उठ रहे हैं। तालिबान ने मान मनोवल करके भारत से बात कर ली। देखिए खबर भी इस तरह से समझिएगा, तथ्य यह है कि तालिबान ने भारत से बात की। बताया आपको ये जा रहा होगा कि भारत ने तालिबान से बात की, नहीं, तालिबान ने मान मनोवल करके भारत से गुहार करके भारत से बात की। तालिबान ने, भारत ने अपनी शर्तें रखी। पहला, भारतीयों की सुरक्षित स्वदेश वापसी। दूसरा, अफगानिस्तान की जमीन को एंटी इंडिया एक्टिविटी, आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए नहीं उपयोग किया जाना चाहिए। क्लियर। मतलब इसलिए हम लोग भी सवाल इसलिए ये उठा रहे हैं कि क्या भारतीयों को तालिबान भरोसे छोड़ दे भारत, बात करनी पड़ रही है क्योंकि वहां पर भारतीय फंसे हुए हैं। अब देखते हैं उन मीडिया एंकर की डिबेट जो अक्सर सरकार से जनता के मुद्दों पर सवाल करते हैं। पहले बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार की। उन्होंने अपने प्राइम टाइम में सिलेंडर की बड़ी कीमत पर सवाल उठाए। जीडीपी का कथित तौर पर 20% होने की इस खुशी के मौके पर घरेलू गैस का सिलेंडर 25 रुपए महंगा हो गया। भारत के कई शहरों में घरेलू गैस का सिलेंडर 1000 से अधिक का मिल रहा है। सिर्फ 2021 में गैस का सिलेंडर 190 रुपया महंगा हुआ है। अपनी खुशी को संभालिए, अभी 4 महीने और है। भारत के कई शहरों में कमर्शियल सिलेंडर करीब 1800 रुपए का हो गया है, कहीं कहीं उससे भी अधिक हो सकता है। क्या गैस सिलेंडर की कीमत बाजार से तय होती? क्या सभी प्रकार के गैस सिलेंडर की कीमत बाजार से तय होती है? इसी 9 अगस्त को आम आदमी पार्टी के सांसद भागवत मान ने एक सवाल पूछा कि क्या एलपीजी से सब्सिडी खत्म कर दी गई है, कीमतें बाजार से तय होने लगी हैं। तो इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जुड़ी हुई है, लेकिन सरकार उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी में घटाती बढ़ाती रहती है। न्यूज क्लिकिंग पर वरिष्ठ पत्रकार बिसार शर्मा ने भी रसोई गैस के दाम बढ़ने पर बात की और सरकार से सवाल किए। हकीकत ये दोस्तों कि लगातार महंगाई की मार बढ़ रही है। आपको याद होगा एक खबर आई थी जिसमें एक इंजीनियर ने अपने पूरे परिवार को मारने का प्रयास किया और उस कोशिश में वो और उसका बेटा मर गया। माँ और बेटी इस वक्त जूझ रहे हैं, जिंदगी और मौत के बीच उनका संघर्ष चल रहा है। आम इंसान इस वक्त इस कदर बेबस है दोस्तों महंगाई की मार को लेकर। और महंगाई की ताजा मार आपके लिए क्या मायने रखती है, मैं आपको बाकायदा इन आंकड़ों के जरिए बतलाने वाला हूं।
सबसे पहले खबर क्या है मैं आपको बताता हूं। अब दिल्ली में 14.2 किलोग्राम का एलपीजी सिलेंडर 884.5 रुपए हो गया है, जबकि इससे पहले यह 859.50 रुपए में मिल रहा था। पेट्रोल जो है वो कई जगहों पर इस वक्त 110 रुपए प्रति लीटर पर बिक रहा है, 107 रुपए से 110 रुपए प्रति लीटर पर अधिकतर देश के हिस्सों में इस वक्त पेट्रोल जो है वो बिक रहा है। पुनः प्रसून वाजपेयी ने अपनी वीडियो में सरकार द्वारा लाए नए मोनेटाइजेशन प्लान पर बात की और कुछ अहम जानकारी के साथ सरकार पर सवाल भी उठाए। सबसे पहले डिसइन्वेस्टमेंट का जिक्र हुआ, 8 कंपनियां बिक गई और 26 पीएसयू कतार में है। उसके बाद निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन का जिक्र हुआ, देश के 18 मंत्रालयों में से अलग अलग हिस्से को किसे किस रूप में बेचना है और टारगेट 6 लाख करोड़ का। इन दोनों के समानांतर कॉरपोरेट को बचाने के लिए एनसीएलटी और आईबीसी बनाया गया। उसके बाद इन्हीं कॉरपोरेट से पार्टी को फंड मिलता चला जाए तो पार्टी फंड में इतना इजाफा हो गया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। यानी देश में भारत सरकार की स्थिति क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की तर्ज पर हो चली है? देश में पार्लियामेंट के भीतर राज्यसभा में जब सदस्यों की फिरिस्त देखिएगा तो 219 राज्यसभा सदस्यों में से आपको 82 सांसद इस रूप में दिखाई देंगे जो इस देश के किसी ना किसी कॉरपोरेट से जुड़े हुए हैं। हालांकि लोकसभा के भीतर भी 40 से ज्यादा सांसद ऐसे हैं जो कॉरपोरेट के पेरोल पर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि कौन सा मीडिया आपके लिए सही जानकारी देता है और आपके मुद्दे उठा रहा है? आप ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। If you like our channel, please subscribe and to get notifications about news, please click the bell icon.